इस दूसरे वीडियो में डॉक्टर करण सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि डोगरी भाषा से विशेष रूप से आप आपकी आत्मीयता है, उससे जुड़े हुए हैं, उसका आपको ज्ञान भी है और उसके प्रमोशन विकास के लिए भी आपने कदम उठाए, उसके विषय में कुछ आप उल्लेख करना चाहेंगे? ऐसा है कि मातृभाषा तो हरेक को बड़ी प्रिय होती है, तो डोगरी मेरी मातृभाषा थी तो इसलिए उसके साथ तो मेरा लगाव है ही है। डोगरी साहित्य का एक नया दौर 1940 के करीब में शुरू हुआ था। उस समय बड़े बड़े अच्छे कवि जो है वो आ रहे थे सामने। तो मैं जब सदर रियासत बना तो मैंने डोगरी साहित्य की पूरी मदद की, अपने गृह में, अपने घरों में, जो राजभवन था मेरा प्राइवेट घर, तो वहाँ कवि सम्मेलन करता रहा, डोगरी को बुलाता रहा। और फिर हमने बड़ा प्रयत्न किया कि डोगरी हमारी 8वीं शेड्यूल में आ जाए ये संविधान की, क्योंकि संविधान में बहुत सारी भाषाएं हैं, डोगरी नहीं थी। तो उसका बड़ी हमने मुहिम चलाई और उसमें बहुत सारे लोग, जैसे पद्मा सचदेव थी, कवयित्री थी, और डोगरी संस्था थी, डोगरा मंडल थे, बहुत सारी संस्थाएं थी, हम सब ने मिल के बड़ा जोर दिया और वो अंत में हम उसमें सफल हो गए। तो डोगरी आज राष्ट्रीय भाषाओं में से एक मानी गई है और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं डोगरी में, मैंने बहुत सारे भजन लिखे भी हैं, गाए भी हैं, जो आज भी लोकप्रिय हैं। वो रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं? जी हाँ, होंगे जरूर। जी जी, डोगरी से विदेश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जाते हुए आपका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट दौर रहा, जबकि आप भारत के राजदूत रहे अमेरिका में, तो उसके विषय में दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो ये बहुत ही आपका साहसिक और दूरगामी डिसीजन रहा होगा कि उस समय आप राजनीति में थे, केंद्रीय मंत्री थे, और आपने भारत छोड़ के अमेरिका जाना स्वीकार किया, और मेरे ख्याल से आपके और श्री आई के गुजराल के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जो कि प्रमुख राजनीतिज्ञ देश को छोड़ कर के गया हो। तो उस समय आप वहाँ पर जब भारतीय राजदूत थे तो जॉर्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति थे, उसके बारे में कुछ आप याद करना चाहेंगे? पहले तो ये स्पष्ट कर दूँ, उस समय मैं मंत्रिमंडल में नहीं था। मंत्रिमंडल में मैं रहा 77 तक, 77 से लेकर 77 तक, और वो तो 10 वर्ष के बाद मुझे राजीव गांधी ने मुझे राजदूत बना के भेजा 1889 में। एक तो ये बात हुई। अच्छा, 3 साल के लिए जा रहा था मैं, 3 महीने के अंदर ही राहुल चुनाव हार गए, जो चुनाव हुए थे 1988 की विंटर में। तो अब क्योंकि वो हार गए, मैं तो सिविल सर्वेंट प्रोफेशनल तो था नहीं, आई वॉज अ पोलिटिकल अपॉइंटमेंट, तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा। तो केवल अमेरिका में मेरे 5-6 महीने ही कटे जी। तो जो पूरा है उस दौरान में काफ़ी की राष्ट्रपति से भेंट हुई, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से, एक तो जब हमने क्रेडेंशियल प्रेजेंट किए वो एक बार हुआ, मिसिस बुश से बात होती रही, और लेकिन वो पूरा समय मिला नहीं। थोड़ा बहुत मैंने आरंभ किए थे बहुत सारी नई बातें, लेकिन वो 5-6 महीने के अंदर ही हमारा वो दौर खत्म हो गया। अधिक समय नहीं मिला, वो पूरा दौर नहीं मिला मुझे वहाँ जो, इसलिए वो था तो बहुत अच्छा और बड़ी उसकी पब्लिसिटी हुई थी। वॉशिंगटन टाइम्स ने आधा पेज रखा था, न्यू इंडियन एम्बेसडर, रॉक एंड रोल एडिक्ट एंड परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट, इस किस्म के बहुत सारे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट था कि मैं आ रहा हूँ, तो उसका तो मुझे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वॉशिंगटन में तो 2 साल रहने के बाद तो लोग आपका नाम याद करते हैं, तो बड़ा एक समुद्र है ना। लेकिन हमें तो आरंभ से ही लोग जानने लगे और उसका हमने लाभ भी उठाया, लोगों को बुलाया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, 4-5 महीने में संभवतः पाश्चात्य संगीत से जो आपका प्रेम है उसका आपको वहाँ अधिक मौका मिला होगा। जी ऐसा है ना, मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेम है, भारतीय लोक संगीत से प्रेम है, और
पश्चिम में जो है रॉक म्यूजिक से मुझे बड़ा प्रेम। हमने बहुत पहले एल्विस प्रेस्ली से बहुत पहले हमने ये रॉक एंड रोल जो शुरू हुआ था तो उस वक्त से हम इसको कर रहे थे और बहुत अच्छा वहाँ संगीत सुनने का बड़ा मज़ा आया। एक अगला प्रश्न दिमाग में आता है कि जब आप सांसद रहे, जैसा आपने कहा कि लगभग 4 दशक, तो उस समय की आपके याददाश्त में कौन सी वो डिबेट हैं, कुछ 2-3 जो कि आपको याद हैं कि वो बहुत उस समय देश के सामने प्रमुख मसला था जिसमें आपने भी भाग लिया और वो आपको याद रहेंगी कि कितनी तैयारी के साथ उसमें आपने अपने विचार रखे? देखिए, डिबेट्स तो बहुत सारे हुए जी। एक डिबेट जो बहुत हमेशा मैं याद रखूंगा वो थी प्रिवी पर्सेस के ऊपर। जब प्रिवी पर्स हटाने का इंदिरा गांधी ने निर्णय किया तो मैं बड़ी दुविधा में था। मैं उनके मंत्रिमंडल में भी था और प्रिवी पर्स होल्डर भी था। एक सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर थी पुराने अंग्रेज़ों के समय, 521 गन्स रूट्स के 5 स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, ग्वालियर, उनमें से मैं था। तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा नहीं, मैं क्योंकि मंत्रिमंडल में हूँ इसलिए मैं तो इंदिरा जी का साथ ही दूंगा इसमें। हालांकि मेरे बड़े विरुद्ध हो गए जितने बाकी हमारे राजघराने के लोग थे और बहुत सारों के साथ ज़ाहिर है रिश्तेदारी थी, दोस्ती थी, वो सब। मैंने कहा ऐसा है कि ठीक है, उस समय कोई ऐसा आवश्यक कदम नहीं था, 8-10 करोड़ रुपए की बात थी साल की, आजकल सोचा जाए तो कुछ भी नहीं था वो। लेकिन वो इंदिरा जी ने अपना वो एक लेफ्टिस्ट इमेज बनाने के लिए इसको भी एक कार्यक्रम में रख लिया, जो अब रेट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है गलत था, क्योंकि वो सब राजवाड़ों के साथ लिख के भारत सरकार ने फैसले किए थे, उनको उलटाना सबको उचित नहीं था इतने बड़े देश के लिए। लेकिन हो गया। और मैं उस वक्त तो वो जो डिबेट हुई और उस डिबेट में जब मैं उठ के बोला तो सारे सोच रहे थे अब करण सिंह क्या बोलेंगे, तो उसमें बहुत एक लोग आश्चर्यचकित हुए कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। वो एक बहुत मेमोरेबल डिबेट है। धन्यवाद। यहाँ पर हम दूसरे वीडियो के अंत पर आते हैं और तीसरे वीडियो में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट मसला जो कि भारत पाकिस्तान संबंध के विषय में।